आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम अरवी की मसालेदार सूखी सब्जी बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या सामान यूज होता है वो हम आपको बताते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। अरवी की सब्जी बनाने के लिए 250 ग्राम अरवी, 3/4 चम्मच नमक, 3/4 चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च और 2 बड़े चम्मच तेल। सबसे पहले हम अरवी को उबाल लेते हैं और मिर्चों को बारीक काट लेते हैं। हमने अरवियों को उबालकर छील लिया है। आप अरवी जब भी लें तो देसी वाली लें, ऐसी छोटी छोटी ऐसी अरवियाँ, गांठ कटीली बड़ी बड़ी अरवियाँ ना लें। वो जल्दी से उबलती भी नहीं है, बहुत टाइम लेती हैं और अच्छी भी नहीं बनती हैं। और हरी मिर्चों को काट लिया है। अब हम इन अरवियों को ऐसे काट लेते हैं। इस तरह से हमको ये काटनी है। आप चाहें तो और किसी सेम में भी काट सकते हैं। मीडियम गैस पर हमने पैन रख दिया है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। करीबन 1 मिनट लगेगा हमारा तेल गर्म होने में। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन को हम सुनहरा होने तक भून लेते हैं। अजवाइन हमारी सुनहरी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च और हल्दी डाल रहे हैं और लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, इन सभी चीज़ों को डालकर हम भून लेते हैं। हमारा मसाला भून चुका है। हम नमक भी डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसके अंदर हम कटी हुई अरवियाँ डाल देते हैं और इनको अच्छे से मसाले में मिला लेते हैं। मसाले में मिलने के बाद इनमें अलग सा कलर आ जाता है। करीबन हमें 1 मिनट के लिए इनको भूनना है। ये ऐसी सब्जी है जो 5 मिनट में बन जाती है। हमारी सब्जी पूरी तरह से बन चुकी है। अब इसको हम बाउल में पलट लेते हैं। हमारी अरवी की सब्जी खाने के लिए तैयार है। खाना भी, खिलाना भी, मुझे कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।